गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी इनवॉइसिंग को लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट और चेंज जो है वो जीएसटी पोर्टल में एडवाइजरी के रूप में दे दिया गया है। यहां आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एडवाइजरी इशू करी गई है टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइसेस ऑन द इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो उसको आईआरपी पोर्टल पे अपलोड करने के लिए या आईआरएन नंबर जनरेट करने के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन यहाँ दिया गया है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्पोज अ टाइम लिमिट ऑन रिपोर्टिंग ओल्ड इनवॉइसेस ऑन द ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल्स फॉर द टैक्स पेयर्स with annual aggregate turnover greater than or equal to 100 crore rupees। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका annual aggregate turnover 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है तो अब आपको जो invoice electronically generate करना होता है उसकी reporting के लिए आप आईआरपी पोर्टल पे जो समय सीमा देखेंगे वो देखेंगे डेट ऑफ इनवॉइस से 7 डेज के अंदर आपको उसका आईआरएन जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप विद इन 7 डेज आईआरपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं उस इनवॉइस का तो वो अब आपको पुराने इनवॉइसेस को अपलोड करने का परमिशन जो है पोर्टल ब्लॉक करने जा रहा है। टू इंश्योर टाइमली कंप्लायंसेस taxpayers in this category will not be allowed to report invoices older than 7 days on the date of reporting। yani ki 7 din se purane agar koi invoices hai to wo ab aap portal pe report nahi kar payenge aur wo kis category of taxpayers ke liye hai, wo hai aise category of taxpayers ke liye jinka annual aggregate turnover jo hai wo 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का बन रहा है। प्लीज नोट दैट दिस रिस्ट्रिक्शन विल ओनली अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस एंड देयर विल बी नो टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिपोर्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस जनरेट करते हैं तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप में 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक मिलता है टैक्स इनवॉइस, एक मिलता है क्रेडिट नोट्स एंड एक मिलता है डेबिट नोट्स। और जो ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी 7 डेज वालों के लिए वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स इनवॉइस की ओल्ड रिपोर्टिंग पे रहने वाली है। क्रेडिट और डेबिट नोट पे ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई जाएगी। टैक्स इनवॉइस कब बनता है, क्रेडिट नोट्स कब बनते हैं, डेबिट नोट्स किसे इशू करना होता है, ये सारी चीजें हम लोग अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कराया है तो जल्द से जल्द आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। आगे यहाँ जो चीजें बताई गई हैं कि आपका इनवॉइसेस जो है वो 7 डेज ओल्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट नोट्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल देकर के समझाया है। इफ एन इनवॉइस हैज अ डेट ऑफ 1 अप्रैल 2023, यानी कि मान लीजिए आपने कोई इनवॉइस जनरेट किया है जिसकी डेट ऑफ इनवॉइसिंग है 1 अप्रैल 2023, तो इस सिचुएशन में जो आपको इस पर्टिकुलर इनवॉइस को रिपोर्ट करना है आईआरपी पोर्टल पे, क्योंकि आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग लागू है, तो इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड। तो यहां बताया गया है इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 8 अप्रैल 2023। आप उस 1 अप्रैल 2023 के इनवॉइस को 8 अप्रैल 2023 उसके बाद अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपके लिए समस्या जो है वो आ सकती है। आगे इसके अंदर जो वैलिडेशंस लिखा गया है वो ये बताया गया है कि वैलिडेशन सिस्टम बिल्ट इनटू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल डस अलाउ द यूजर फ्रॉम रिपोर्टिंग द इनवॉइसेस आफ्टर द 7 डे विंडो। यानी कि आपने एक इनवॉइस बनाया है और उसकी डेट आपने डाली है 1 अप्रैल 2023, तो उसकी जो मैक्सिमम रिपोर्टिंग हो सकती है वो कब तक हो सकती है, वो हो सकती है
8 अप्रैल 2023 तक, यानी कि 7 डेज का विंडो आपको मिलेगा, एंड इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 8 अप्रैल 2023। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो जीएसटी पोर्टल के अंदर इनवॉइसेस से रिलेटेड किया गया है। द वैलिडेशन सिस्टम बिल्ट इनटू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल डिसअलाउ द यूजर, यूजर को डिसअलाउ करेगा फ्रॉम रिपोर्टिंग द इनवॉइसेस आफ्टर 7 डे विंडो। तो इस 1 अप्रैल के इनवॉइस को अगर आप 8 अप्रैल के बाद यानी कि 10 अप्रैल या 9 अप्रैल को अगर करेंगे तो ये आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। हेंस इट इज एसेंशियल फॉर द टैक्स पेयर टू इंश्योर दैट दे रिपोर्ट द इनवॉइसेस विद इन द 7 डे विंडो प्रोवाइडेड विद इन द न्यू टाइम लिमिट। तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कोई भी इनवॉइस बनाने से पहले कि आप उसे 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दें अपने जीएसटी के आईआरपी पोर्टल पे। लेकिन ये सारी की सारी कंडीशंस किन के लिए है? फिलहाल ये सारी की सारी कंडीशंस इन्होंने बता रखी है, इट इज फर्दर हियर बाय क्लैरिफाइड दैट देयर विल बी नो सच रिपोर्टिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन टैक्स पेयर्स विथ AATO लेस देन 100 crores एज ऑफ नाउ। आज की डेट में अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है तो आपको ये 7 डेज वाली जो रिस्ट्रिक्शंस है रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस वो लागू नहीं होंगी। हालांकि ई इनवॉइसिंग तो 10 करोड़ से ऊपर वालों के लिए है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपए से ऊपर वालों के लिए लागू करी जाएगी एट द प्रेजेंट टाइम। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशियंट टाइम फॉर द टैक्स पेयर्स to comply with this requirement, which may require changes to your system, we propose to implement it from 1st May 2023 onwards. और ये जो changes हैं, ये 1st May 2023 onwards लागू किए जाएंगे। तो 1st May 2023 से जो आप invoices बनाएंगे, उसमें आपको ये reporting facilities जो हैं, वो check करनी हैं। इससे कुछ चीजें आपको अब clear हो जाएंगी कि अगर आपका 100 crore से कम का है तो आपको पहले भी रिपोर्टिंग के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, अभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप 100 करोड़ से ऊपर चले जाते हैं तो आपको 7 डेज का रेस्ट्रिक्शन जो है वो देखना पड़ेगा, और ये सिर्फ टैक्स इनवॉइसेस के ऊपर है, क्रेडिट या डेबिट नोट्स के ऊपर अभी कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाया गया है। ये सारी चीजें जीएसटी पोर्टल के अंदर एडवाइजरी में ऑलरेडी आप लोगों को दे दी गई है, इसका एनालिसिस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा और अकॉर्डिंगली आप अपनी इनवॉइसिंग से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उसको मैन्युअली चेंज कर पाएंगे। अगर आपको ये सारी चीजें एनालिसिस के रूप में पढ़नी है, समझनी है, तो आप उसके लिए हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स पीडीएफ फाइल्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।